आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पावर बीआई में एक डेटा को हम ऐड करते हैं और डेटा को ऐड करने में हम एक्सेल से डेटा लेते हैं और यहां पे एक डेटा को हम ओपन कर देते हैं। ओके, तो इसमें से डेटा शीट को लेते हैं एंड गो। तो लास्ट क्लासेस में हमने आपको जो है इसके बारे में बताया था, ये आपको याद होगा विजुलाइजेशंस के बारे में। अब हम क्या है कि एक दिन विजुलाइजेशन और एक दिन फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने फॉर्मूला कैलकुलेशन पढ़ा था, तो आज हम विजुलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लासेस में विजुलाइजेशन में हमने आपको टेबल्स के बारे में और इसके बारे में, ये आपका जो स्पीडोमीटर गर्क चार्ट है, हम लोग इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने ये स्कैट बार चार्ट के बारे में, राइट। हाँ बोलिए। सागर जी, ओ वो शाम के बैच में नहीं हुआ था, सुबह के बैच में जी हुआ है, तो शाम में वो चीज करा देंगे। तो अब हम बार से बात करते हैं बार चार्ट, ये स्कैट कॉलम चार्ट के बारे में। तो जैसे कि हमने इस पहले इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे अपना कॉलम चार्ट ले लिया, तो ये हमारा बार चार्ट है, राइट। जैसे एक्सेल में बार चार्ट होता है, तो इसके भी इसमें जो है आपको याद रखिएगा, कई सारे फील्ड में आप एक या एक एक या दो या एक एक से ज्यादा या फिर एक फील्ड ही रख सकते हैं। जैसे कि आपका स्पीडोमीटर चार्ट में क्या था कि सिर्फ आप एक फील्ड इसमें रख सकते हैं, और इसमें भी आप क्या है कि सिर्फ एक फील्ड इसमें भी रख सकते हो, दो फील्ड नहीं कर सकते हो आप। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसे चार्ट है जिसमें एक फील्ड रख सकते हैं, कुछ ऐसे चार्ट है जिसमें एक से ज्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट को रखा, तो प्रोडक्ट पे क्लिक करने से पहले हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो विजुलाइजेशन चार्ट है वो सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं दिख रही है, अगर ये टेबल होता तो आपको प्रोडक्ट का लिस्ट दिखता, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ये तभी दिखेगा क्योंकि यहाँ पे बार दिखता है, मतलब कि ये ब्लॉक्स दिखते हैं, ब्लॉक्स तब दिखते हैं जब इस पर कोई नंबर्स ऐड होता है। तो हमने यहाँ पे सेल्स को ऐड किया, तो सेल्स को ऐड करते ही आप देखिए आपके सामने हमारा ये चार्ट जो है आपके सामने दिख रहा है। अब चलिए इसके ऊपर हम कुछ ये करना चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल कॉलम कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिया हुआ था, प्रोडक्ट और क्वांटिटी है, सेल्स है, तो अब इसमें मैंने क्या किया, रीजन को भी ऐड कर दिया। तो रीजन को ऐड करने के बाद देखिए इस तरह से आपके सामने ये डिवाइड हो गया इस तरह के चार्ट में, मतलब कि आपका प्रोडक्ट तो एक ही रहेगा लेकिन इसमें कई पार्ट हो जाएंगे। आप इसको स्विच करना चाहते हैं तो आप लेजेंड्स में से एक्सिस में डाल दीजिए और एक्सिस का लेजेंड में डाल दीजिए, ठीक है, तो स्विच कर सकते हैं इसको आप। टैबलू में स्विच कर सबसे सिंपल ऑप्शन आता है, क्लिक करते स्विच हो जाता है, बट ये इसमें नहीं है, इसमें आपको उठा कर पिक करना पड़ता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट को उठा के लेजेंड में, मैंने एक्सिस में दो फील्ड रख देता हूं, तो क्या होगा, तो यहां पे आपके सामने दिख रहा है कि इसमें प्रोडक्ट का कोई ऐसा बात नहीं है, प्रोडक्ट इसमें दिख ही रहा है आपका, प्रोडक्ट बेसिकली हाइड हो गया हुआ है क्योंकि इसमें एक्सिस में एक से ज्यादा फील्ड आप नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन इसको हम प्रोडक्ट को लेजेंड में रखेंगे तो हमारे बार को दो भागों में बांट देगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर मैं यहां पे 100% स्टैक को ले लूं तो क्या होगा, इसमें देखिए फर्क क्या है, ये आपका सेम रहेगा, मान लीजिए बार सबका सेम रहेगा, बस इन इसमें से अंबाला में प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू है, तो इन दोनों का परसेंटेज डिवाइड करके उतना बार इसने दे दिया। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप इसको लेते हैं, यदि 100% स्टैक चार्ट है, इसमें सबका कॉलम समान रहेगा बट पार्टीशंस बन जाएंगे, तो आप इस पे आते हैं। हाँ, लेकिन इसी को स्विच करना, अगर मैं इसको कॉलम में कर दूं तो कॉलम वाइज हो जाता है हमारा। अगर इसी में बार चार्ट में ही हमारा एक हमारा होता है कर्सर्ड बार चार्ट, उसमें क्या होता है कि उसमें डिवाइड हो जाता है कि भाई अंबाला में
प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू, तो दोनों अलग अलग बार मिलते हैं जो कि जनरली हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, कर्सर कॉलम चार्ट और स्टैक कर्सर कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो स्कॉर्ट कॉलम चार्ट में अगर आप लेजेंड एक ही लेजेंड रखते हैं तो आपका जस्ट लाइक आपका कर्सर चार्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, जैसे इसमें दो रखते हैं तो डिवाइड के होके तो दो हो जाता है, उसको पार्टीशन कर देता है। तो इसके डिफरेंसेस समझ में आ गए आप लोगों को, अमित जी, सागर जी एंड संदीप जी, ओके। तो डिफरेंस, हाँ मैं आपको बताते हैं, दो मिनट वेट कीजिए, इसको भी मैं इसकी प्रॉपर्टी पे बात अभी नहीं की है, ओके। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि तीन प्रॉपर्टी होते हैं, फील्ड, फॉर्मेट एंड एनालिटिक्स। तो हम पहले फील्ड की बात करते हैं। तो फील्ड में आपने देखा कि लेजेंड्स को हमने रखा किस तरीके से, और यहाँ पे भी आपने लेजेंड को इस तरह से रखा हमने। उसके बाद वैल्यू जिस पे कैलकुलेशन हुई है सेल्स है, तो सेल की कैलकुलेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये भी हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो इसमें आप अपने हिसाब से इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे सो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन, इसमें अगर हम परसेंटेज करते हैं तो परसेंटेज का सिस्टम भी आ जाती है, ये भी आपको बाद में बताएंगे क्योंकि इस टेबल पे फिट नहीं बैठेगा। उसके बाद यहां हमारे पास ड्रिल है, तो ड्रिल भी तो मैंने बताया था आपको कि ड्रिल हम बाद में बताएंगे, तो इसमें और कोई सीखने की को चीज नहीं है। बट हाँ, फॉर्मेट में कुछ चीजें हैं जो आप जान लेंगे, जैसे कि हर बार का फॉर्मेटिंग होता है, ये आपका जनरल है, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसका एक्सेस वाई हाइट वगैरह कितना होना चाहिए वो इसके बारे में बताया गया है। लेजेंड्स, लेजेंड्स में पॉजिटिव टॉप पे होगा या बॉटम में होगा, वो पॉजिटिव डिवाइड नेगेटिव पॉजिटिव डेटा है तो डिस्कस कर सकते हैं। टाइटल रखना है या टाइटल को हटाना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा टाइटल, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट रखा हुआ है वो प्रोडक्ट दिखेगा या हटेगा, टाइटल इसको बोलते हो। और प्रोडक्ट में क्या देना चाहते हो आप, कुछ और अपने हिसाब से देना चाहते हो, इसका कलर चाहिए, उसकी फॉर्मेट चाहिए, उसकी साइज चाहिए, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक्सिस है आपका, तो एक्सिस भी आपको नॉर्मल है कि कुछ साइड में एक्सिस को रखना है। अब यहाँ पे बोलते हैं डेटा कलर्स, तो प्रोडक्ट वन का कलर कुछ और करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट वन को मैं मानना चाहता हूँ कि मैं इसको ब्लैक करना चाहूँ, तो प्रोडक्ट वन ब्लैक हो जाएगा, प्रोडक्ट टू को मैं ग्रे करना चाहता हूँ तो ग्रे हो जाएगा। उसके बाद डेटा लेवल बात करें, अब डेटा लेवल यहाँ पे ऑफ है क्योंकि आप अभी संदीप जी पूछ रहे थे, तो डेटा लेवल जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे डेटा के लेवल्स आपके सामने दिख रहे हैं। और इसकी कलर्स ने ऑटो ले लिया है, लेकिन कलर्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले यूनिट, जैसे कि आपने देखा था लास्ट क्लासेस में कि काफी ज्यादा वैल्यू मिलियंस में आ रहे थे, तो उसने ऑटोमेटिकली मिलियन और थाउजेंड में कन्वर्ट कर दिया था। इस थाउजेंड है, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, इसमें चेंज कर सकते हैं। और पॉजिटिव को कहाँ रखना है, नेगेटिव को कहाँ रखना है, तो ये सब ऑटो रहता है, इसमें कोई खास चेंज करते नहीं, ठीक है। प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया की ट्रांसपेरेंसी कितना बढ़ना चाहिए, मतलब कि कितना विजिबल पीछे होना चाहिए, या फिर कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं इसमें, कोई ऐसी इमेज वगैरह हो तो आप इसमें इमेज को भी ऐड कर सकते हैं, और इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा ब्लर हो जाए तो आपके डेटा को इफेक्ट ना करे, ठीक है सर। उस पर टाइटल आ गया, टाइटल नॉर्मली जो ऊपर टाइटल होता है, टाइटल रखना है या नहीं रखना है, उसको रैप करना है, टाइटल ऊपर जो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है टाइटल आपको, तो टाइटल में तो सेल्स बाय रीजन एंड प्रोडक्ट डिफॉल्ट ले लिया, बट आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो कि क्या चीज़ का टाइटल है। इसकी अलाइनमेंट आप सेंटर में करना चाहते हो या लेफ्ट राइट में, इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 14 या फिर उससे ज़्यादा या कम, उसकी फॉर्मेटिंग क्या, फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अब इसकी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपका ऑन और ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, मैं व्हाइट की जगह पे ग्रीन कर दूँ, ये चीज़ें भी हम आपको लास्ट क्लास में समझाया था आपको कि क्या होना चाहिए, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर इसलिए इफेक्टिव नहीं है क्योंकि हमने अभी इमेज यूज किया है, बैकग्राउंड इमेज। लॉक वगैरह, बॉर्डर वगैरह और यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सिंपल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, रहने दीजिए जैसा आता है वैसा रहने दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मेट में आता है,
तो आपने डेटा वर्ग को ऐड लाना सीख लिया, सही फॉर्मेटिंग कलर सीख ली। उसके बाद यहाँ पे आता है एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में अब देखिए, एनालिटिक्स के जैसे बताया था कि हर किसी का अलग अलग रोल होता है, किसी में एनालिटिक्स आते हैं किसी में एनालिटिक्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सियस लाइन आ गया है जिसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि एक लाइन होना चाहिए। अभी लाइन यहाँ दिख रहा है, डॉट लाइन लग गए क्योंकि हमने वैल्यू अभी जीरो दिया है। तो इसे मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा 500 का वैल्यू है, 500 हमारा यहाँ पे ए दे सकते टारगेट दे सकते कि मान लीजिए सेल्स का टारगेट हमारा 1000 था, तो 1000 से कौन ज्यादा सेल किया है। और उसकी कलर क्या होनी चाहिए और उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होना चाहिए, उसकी लाइन डॉट होना चाहिए आप या फिर सॉलिड लाइन होना चाहिए, और उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, फ्रंट होना चाहिए या बैक में इसके पीछे होने चाहिए, और इसका डेटा लेवल होना चाहिए ना चाहिए ताकि ताकि पता चले कि 1000 होना। तो एनालिटिक्स का आप कलर चेंज कर सकते हैं या इसका इसका जो वर्टिकल और जो पोजिशन है या डिस्प्ले यूनिट है वो चेंज कर सकते हैं। और ये चीज तो मुझे जहां तक अनुमान है कि आप खुद देख के भी लगा सकते हो, ठीक है सर, समझ में आया आपको। तो ये आपका कर्सर कॉलम चार्ट का स्टैक बार चार्ट था, लेकिन इसी को अगर मैं सिर्फ स्टैक चार्ट लेता हूं तो स्टैक चार्ट ये आता है, और स्टैक चार्ट में भी आपका जो है फॉर्मेटिंग आपका सेम रहता है, इसमें कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, सारे फॉर्मेटिंग आपका सेम होता है बस। हाँ 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 इसको कीजिएगा पता चल जाएगा आपको। और इसकी बट इसकी एनालिटिक्स में देखिए, इसका एनालिटिक्स पार्ट जो है इसमें लाइन जो है ऐड हो गई है। पहले जिस इससे पहले जब हमने स्टैक कॉलम किया था तो क्या था, सिर्फ हमारा कॉन्स्टेंस लाइन था, इसमें मिनिमम लाइन, मैक्सिमम लाइन, एवरेज लाइन, मीडियन लाइन, परसेंटेज लाइन दिख रहा है आपको, ये चीजें ऐड हो गई है। तो आप भी अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं, और कैसे ऐड करना है सब में सिंपल है जैसे हमने अभी बताया आपको, तो इसको ट्राई करके आप देखिएगा। तो याद रखिएगा कि आपका फील्ड सब में सेम रहता है, फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है बट मोस्टली फॉर्मेटिंग सेम होता है। एनालिटिक्स में चार्ट के अकॉर्डिंग अपना अपना फीचर ऐड हो जाता है, हाँ फीचर चेंज हो जाता है, क्लियर है। तो आज की क्लास में हम आपके साथ स्टैक कॉलम, स्टैक बार चार्ट और स्टैक कर्सर कॉलम, हाँ कर्सर एंड स्टैक बार, हम दो चीजों पे डिस्कस किए। ओके सर, अब आप जो है इस पे प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से, फिर कल हम आपके साथ कॉलम वाले जो है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट जो है उन कॉलम चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और सर सेफ रहे, घर में रहे और सुरक्षित रहे सर।